मेहता है। डिपल बात करें, आप एक किसी सेलिब्रिटी के डिजाइनर हैं, बताना चाहेंगे? मेरी ब्रांड का नाम है डिम्पल अमरीन और हम वेस्टर्न क्लोथिंग करते हैं। डिम्पल अमरीन में प्रेट कुटूर और बीस्पोक क्लोथिंग करते हैं और हमारे पास डिम्पल मेहता करके इंडियन ब्रांड भी है जिसमें हम लोग इंडियन वे करते हैं, बीस्पोक और ब्राइडल दोनों। और हमारा डिम्पल अमरीन और डिम्पल मेहता प्रसाद चेम्बर्स हम लोग ऑपरेट करते हैं, हमारा स्टूडियो वहाँ पर है और हम शोज़ करते हैं ज़्यादा करके बारगाँव में, लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, कांस फैशन वीक और फिल्म फेस्टिवल, वाका फिल्म फेस्टिवल में पार्ट लिया हमने और वापस पेरिस में अभी वापस पार्ट लिया था और लास्ट हम लोग ने नवंबर में अरब फैशन वीक में पार्ट लिया था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर। जी मैं उनके भी आम करते हैं। बात करें किस तरह के आउटफिट आपकी नज़र में, बात आप अपनी नज़र से क्या कहेंगे, मतलब किस तरह कपड़े पसंद करते हैं वो, या आपकी चलती है या तो क्या क्या कहेंगे? सना खान को फैशन का बहुत शौक है, उनको पता है उनको क्या सूट करता है क्या नहीं और उनका वो कपड़े की बहुत शौकीन है, इसलिए कुछ भी नया आएगा कुछ भी रहेगा तो वो मुझे फ़ोन करके बताएंगी ऐसा है मैं क्या पहनूँ और कैसा ये रहेगा और उनको पता है उनको क्या चाहिए करके। उनको गाउन्स पसंद है, जब रेड कार्पेट इवेंट्स रहेंगे तभी या वेडिंग ओकेजन्स रहेंगे बाद में वो उनको ट्रेंडी क्लोथिंग भी बहुत पसंद है, उनके शूट्स रहेंगे या उनका कोई भी फंक्शन रहेगा तो हमेशा हमें याद करती है वो। किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं आप जैसे डिजाइनर के लिए, आर्टिस्ट, कितना मुश्किल होता है कि कलर भी कैसा है, फेयर कलर है या फिर जो भी चीज़ है, किस चीज़ का ध्यान में रखकर आप डिजाइन करते हैं? ज़्यादा करके सबको कुछ और सूट होता है, सबके पसंद भी अलग रहती है, इसलिए सूट में क्या रहता है तो सब औरत का शेप भी अलग रहता है, इसलिए किसको कौन सा शेप को क्या सूट होता है क्लोथिंग में वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो जब उनको पता चलता है तो कुछ भी पहनते तो अच्छा लगता है उनको, जब उनको पहचान रहती है उनको क्या सूट होता है। उनको एक्चुअली उनको सिल्वर ग्रेज पसंद है, पेस्टल्स पसंद है, बाद में उनको ब्राइट कलर्स भी बहुत पसंद है, सो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन, शी इज़ अ वेरी लाइवली पर्सन, शी लाइक्स ऑल कलर्स एंड शी लाइक्स ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग। इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो आप ही की कलेक्शन होती है जो पहन के जाते हैं? हाँ, इंडिया से बाहर भी जाते हैं तभी वो पहनती है हमारा कलेक्शन। ऐसा बताना चाहेंगे जो कोई अवार्ड वगैरह में पहुँचे हैं आपकी कलेक्शन पहन के, लैक्मे वगैरह में सना? हाँ डेफिनेटली करेंगे आगे जाते हुए, और अभी के लिए तो उनको गाउन्स और वो ज़्यादा बारगाव जाती है, कुछ विंटर वेयर चाहिए, अभी विंटर सीज़न है तो उनका फ़ोन आ जाएगा, मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे विंटर लुक के लिए क्या अच्छा लगेगा क्या ले जाऊँ, तो उनको ऑप्शन देते हैं हम लोग। डिजाइनर के लिए कितना कंपटीशन है आजकल मार्केट में, जैसे कि हर मार्केट में कंपटीशन है, आपकी अगर बात करें मार्केट की डिजाइनर की? डिज़ाइनर की तो बहुत सारे अभी तो बहुत कंपटीशन है, लेकिन वो कहते हुए भी सबके लिए जगह है यहाँ पे, क्योंकि सबके चॉइसेस अलग अलग रहते हैं और डिमांड इतना ज़्यादा है कि सबके लिए जगह है यहाँ पे। और कुछ कहना चाहेंगे सना के बारे में? आई थिंक सना खान इज़ अ वंडरफुल पर्सन इन एंड आउट, वेरी लाइवली, वेरी हेल्पफुल एंड आई विश ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लक एंड सक्सेस ऑलवेज। अगला प्रोजेक्ट क्या है सना का जो आप जल्दी आपके डिजाइन कपड़े नजर आएंगे? वो उनके शूटिंग्स के लिए जाती है तो अभी ले जाती है, आउटिंग्स के लिए जाती है, इंटरव्यूज़ के लिए, अभी भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए विंटर वेयर लिया है, तो आप देखेंगे जल्दी।